सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन में फ़ोटो वीडियो बहुत ज़्यादा हैं और आपका जो एसडी कार्ड है पूरा खाली है, और ऐसे में अगर आप चाहते हो कि एसडी कार्ड में हम अपने फ़ोन की फ़ोटो वीडियो रखना है, फिर एप्लीकेशन, बहुत चीज़ें अगर आपको अपने एसडी कार्ड में डालना चाहते हो तो कैसे आप डाल सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना फाइल मैनेजर आपके फ़ोन में होगा, आप देख लीजिए ध्यान से। आपका फ़ोन में, हर एक फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है, लेकिन कलर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह चेंज होता है, लोगो वगैरह, तो आपको वो चीज़ देखना होगा, ठीक है। तो आपको फाइल मैनेजर पे आना है, जहाँ पर आपके सारे, मतलब यहाँ पे जहाँ पर आपका फ़ोन वगैरह दिखता है, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर आपको सारा डाटा दिखता है कि कितनी फाइल्स हैं, क्या है, फ़ोटो वीडियो, वो सब आपको यहाँ पर आना है। पहले लोकल फाइल्स के ऊपर आना है, उसके बाद यहाँ पर आपको जहाँ पे डिवाइस स्टोरेज एसडी कार्ड देखता है ना, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद फिर आपको आना है डिवाइस के अंदर। डिवाइस के अंदर आने के बाद फिर आपको यहाँ पर आपको वो फोटो वगैरह सिलेक्ट करना है जिसे आप अपने एसडी कार्ड में डालना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं पिक्सल लैब के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पर कुछ मेरे वीडियोज़ के थंबनेल हैं, तो इन्हें अगर मान लीजिए मुझे अगर एसडी कार्ड में डालना तो मैं कैसे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 सिलेक्ट किए, इनको मुझे एसडी कार्ड में डालना है तो कैसे डालूंगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कट का, और यहाँ पर आपको बगल में ये कॉपी का मिलेगा। तो ये कट का जो ऑप्शन मेरे वीवो के फ़ोन में आ रहा है, अगर आपका सैमसंग का होगा तो उसमें हो सकता है मूव का ऑप्शन हो, और अगर आपका रेडमी का होगा उसमें भी मूव का हो, जहाँ तक ऑप्शन होता है। तो अगर आपका कोई दूसरा फ़ोन है तो आप देख लेना कि मूव का होगा या फिर कट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो वहाँ पर अब आपको क्या करना है, कट वाले के ऊपर क्लिक करना है। ये इसका मतलब ये रहेगा कि यहाँ से कट जाएगा और हमारी एसडी कार्ड में सिर्फ सेफ रहेगा, और कॉपी पे क्या रहेगा कि यहाँ पर भी रहेगा और एसडी कार्ड पर भी रहेगा। तो हमें कट करना है, यानी कि हमें एक ही फ़ोटो को दो जगह सेव नहीं करना है, हमें यहाँ से अब आपको बैक आना है, फिर एसडी कार्ड ओपन करना है। एसडी कार्ड ओपन करने के बाद अब आपको वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको इसे सेव करना होगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए जैसे मुझे इस वाले फोल्डर में सेव करना है, और यहाँ पर आप देखोगे जब आप वहाँ से कट करके आओगे तो यहाँ पर एक पेस्ट का ऑप्शन बना रहेगा, ठीक है। ये पेस्ट का ऑप्शन जब तक रहेगा जब तक आप इसे पेस्ट नहीं कर देते हो। अभी मान लीजिए जैसे इसी के अंदर मैं पिक्सेल ऐप के अंदर इसके अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देखोगे पेस्ट का ऑप्शन अभी हमारे पास है, तो क्योंकि हमने कट किया था। तो अभी हम पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो पेस्ट कर दिया हमने, और उसके बाद ये पेस्ट का ऑप्शन भी यहाँ से हट गया। तो अभी हमारा तो यहाँ पर आ चुका है एसडी कार्ड के अंदर। आप यहाँ पे देखोगे ऊपर लिखा हुआ है एसडी कार्ड, उसके अंदर ये पिक्सेल लैब हमारा जो एप्लीकेशन फोल्डर ओपन है। और अगर आप मान लीजिए अगर इसे हमें मतलब एसडी कार्ड का अगर फ़ोन के अंदर करना, तो सेम प्रोसेस यही रहेगा। कार्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम आएंगे अपने डिवाइस स्टोरेज के अंदर, फिर यहाँ पर वही फोल्डर सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें इसे पेस्ट करना है, फिर पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये फिर से हमारे फ़ोन के अंदर पेस्ट हो चुका है। तो ये प्रोसेस रहता है, और इसी से आप बहुत ही आसान तरीके से आप ये सब कर सकते हो। और अगर आपको एप्लीकेशन करना है एसडी कार्ड के अंदर, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही।